नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल नेशनल न्यूज आप तक पर। मैं हूं कुलदीप कुमार। दोस्तों, रोज की तरह आज भी लेकर आया हूं आपके लिए प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों को। खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक और शेयर करें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों पर। प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं मांधाता इलाके से, जहां पर जमीन के विवाद के चलते महिला की पीठ में छर्रा प्लांट कराकर विरोधी पर गोली मारने की FIR दर्ज कराना अब उल्टा पड़ गया है। पुलिस ने छर्रा प्लांट करने वाले निजी डॉक्टर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि महिला को डॉक्टर के पास ले जाने का आरोपित वकील अभी भी फरार है। दरअसल मांधाता थाना इलाके के तरौल गाँव में संतोष पटेल की पत्नी राधा देवी ने गुरुवार रात थाने में सूचना दी कि जमीन विवाद के चलते पड़ोस के अनिल व सियाराम ने उसे गोली मार दी है। मौके पर पहुंची पुलिस को जांच में मामला संदिग्ध लगा, लेकिन तुरंत FIR दर्ज कर ली। मेडिकल में छर्रा तो मिला, लेकिन गोली मारने के लक्षण नहीं मिले। पुलिस ने राधा देवी और उसके पति संतोष से पूछताछ की तो संतोष ने बताया कि प्रयागराज महुआइमा के ऊंचडी निवासी निजी चिकित्सक वरुण देव तिवारी ने 2000 रुपए में छर्रा प्लांट किया है। उसने यह भी बताया कि तरौल के ही फूलचंद पटेल ने अपने वकील बागरा थाना इलाके के सिंगारपुर के आदेश दुबे से उसकी मुलाकात कराई। आदेश कुमार ही उसे छर्रा प्लांट कराने के लिए डॉक्टर के पास ले गए थे। मांधाता के SI अनुज यादव ने अपनी टीम के साथ डॉक्टर वरुण देव, फूलचंद पटेल, संतोष पटेल और राधा देवी को डॉक्टर के घर से शनिवार सुबह गिरफ्तार कर लिया, जबकि वकील आदेश दुबे अभी भी फरार हैं। इस पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी रोहित मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मांधाता के ग्राम तरौल में दिनांक 2/9/2022 को एक महिला द्वारा सूचना दी गई, उसको उसके परिजनों जिसमें जेठ और जेठ के लड़के के ऊपर आरोप लगाते हुए ये प्रार्थना पत्र दिया कि उसके ऊपर फायर कर दिया और जिस पर उसको गोली लग गई। इस सूचना पर FIR दर्ज की गई थी थाना मांधाता पर 2 सितंबर को, और मौके पर स्थानीय पुलिस गई, छानबीन की, लोगों से बातचीत की, आसपास के घटनास्थल का निरीक्षण किया, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की, मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया तो ये पाया गया कि ये प्लांटेड घटना है और झूठी सूचना दी गई है, और इस आधार पर इस मुकदमे को निरस्त एक्सपंज करते हुए उस तहरीर देने वाली महिला के विरुद्ध ही और उसके साथ जो मेडिकल फर्जी मेडिकल जिन्होंने किया था वो लोकल एक फर्जी डॉक्टर थे वो, और इसके अलावा जो गवाही दे रहे थे उन सभी के विरुद्ध अभियोग समुचित धारा में पंजीकृत किया गया है और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर फतनपुर थाना इलाके से है, जहां पर संदिग्ध दशा में घूम रहे युवकों को बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस युवकों को थाने ले गई, जहां पर पूछताछ में संतुष्ट होने के बाद पुलिस ने सभी को छोड़ दिया। फतनपुर थाना इलाके के जगतपुर गांव में कुछ युवक संदिग्ध दशा में घूम रहे थे, इस पर ग्रामीणों को बच्चा चोर होने का शक हो गया। ग्रामीणों को लगा कि यह लोग बच्चा चोरी करने की नीयत से गाँव में आए हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने शोर मचाया तो मौके पर भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद संदिग्ध दशा में घूम रहे युवकों को पकड़कर पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई, सूचना पर पहुंची पुलिस युवकों को थाने ले गई, जहां पर पुलिस पूछताछ में संतुष्ट हुई तो युवकों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया। अगली खबर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानापुर से है, जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों की कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों ने CMO का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल आसपुर देवसरा ब्लॉक क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानापुर की स्थिति बद से बदतर हो गई है। यहां पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी पूरी तरह मनमानी पर उतारू हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की कार्यशैली से नाराज ग्रामीण शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने CMO का पुतला फूंक कर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। अगली खबर कुंडा से है, जहां पर आयोजित जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस में DMO SP समेत अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान 342 लोगों ने अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराई, जिसमें 8 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। कुंडा तहसील सभागार में शनिवार को जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन DM डॉक्टर नितिन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। दोपहर 11 बजे पहुंचे DMO SP सतपाल अंतिल ने बारी बारी से लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 342 शिकायतें आई, जिसमें से 8 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इसके बाद DM SP बिहार ब्लॉक के लिए रवाना हो गए। संपूर्ण समाधान दिवस में SDM कुंडा सतीश चंद त्रिपाठी, CO कुंडा अजीत सिंह, पूर्ति निरीक्षक कुंडा SK मिश्रा, तहसीलदार भानु प्रताप सिंह समेत अधिकारी मौजूद रहे।
अगली खबर मानिकपुर से है, जहां पर कई मामलों में वांछित गांजा तस्कर को पुलिस ने 10 किलो गांजा नकदी और बाइक संग गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल मानिकपुर एसओ मनीष पांडे को शनिवार सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि नगर पंचायत के मुंदीपुर गांव का रहने वाला राजेश मिश्रा बाइक पर गांजा लेकर बेचने जा रहा है। उन्होंने आनंद फानंद में दरोगा श्याम सुंदर गिरी प्रदीप कुमार की टीम भेजी। रामलीला मैदान के पास घेराबंदी कर राजेश मिश्रा को पुलिस टीम ने पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 10 किलो 100 ग्राम गांजा, 1700 रुपये नगद और एक बाइक मिली। इसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई, जहां पर मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। एसओ मनीष पांडे ने बताया कि 2021 में भी राजेश मिश्रा गांजा तस्करी में जेल भेजा गया था। इसके अलावा भी कई मुकदमे में वह वांछित और फरार चल रहा था। अगली खबर जठवारा थाना इलाके से है, जहां पर घर के बाहर सो रही वृद्धा का जेवर छीनने के दौरान विरोध करने पर चोरों ने उसकी पिटाई कर दी। वृद्धा ने शोर मचाया तो चोर भाग निकले, लेकिन ग्रामीण पहुंचे तो पेट्रोल पंप से चोरी कर आ रहे चोरों को ऑटो सहित पकड़ लिया। जठवारा थाना इलाके के बिकरा गांव निवासी सोनू पटेल सड़क किनारे घर बनवा रहा है। उसकी 60 वर्षीय मां शिवकली रात को घर के बाहर सो रही थी, तभी देर रात पहुंचे चोर उसके जेवर छीनने लगे। विरोध करने पर शिवकली की पिटाई करके भाग निकले। शोर पर ग्रामीण पहुंचे तभी कुछ लोग एक ऑटो से आरओ वाटर और मोबिल मशीन लाद कर जा रहे थे। ग्रामीणों ने उन्हें रोक लिया। ग्रामीण उस पर सवार एक युवक से पूछताछ करने लगे, तभी मौका पाकर ड्राइवर भाग निकला। पकड़े गए युवक ने बताया कि वह कुंडा मार्ग स्थित पेट्रोल पंप से चोरी करके ला रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस उसे थाने ले गई। पेट्रोल पंप के मैनेजर ओम प्रकाश पांडे ने चोरी की घटना की तहरीर दी है। एसओ अजीत शुक्ला ने बताया कि पकड़े गए युवक से पूछताछ की जा रही है। अगली खबर पट्टी इलाके से है, जहां पर बाइक के आमने सामने भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आसपुर दोसरा थाना इलाके के सैफाबाद निवासी 28 वर्षीय अंकित कुमार व औरइन निवासी 26 वर्षीय अनिल कुमार पीडब्ल्यूडी में कर्मचारी हैं। शनिवार को दोनों एक बाइक पर सवार होकर वापस घर जा रहे थे। शाम लगभग 5:30 बजे जैसे ही इनकी बाइक पट्टी प्रतापगढ़ मार्ग पर आनापुर मोड़ के निकट पहुंची, विपरीत दिशा से आ रहे वरुण कुमार वर्मा से आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार सड़क के किनारे गिर पड़े। आसपास के लोगों ने तीनों घायलों को सीएससी पट्टी भेजा, जहां पर वरुण वर्मा को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद कंधई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त बाइक को कब्जे में लेकर थाने भेजा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।